अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 की मैथ स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स क्या होती है? ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब देखिए, मैट्रिक्स ऐसे अरेंजमेंट नंबर या वैल्यूज की जिनको एक ब्रैकेट ने घेरा हो, और वो अरेंजमेंट ऐसी हो जिसमें रो भी हो, जिनके अरेंजमेंट रो और कॉलम में हो, तो इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, ऐसे अरेंजमेंट नंबर या वैल्यूज की जिनको एक ब्रैकेट ने घेरा हो, और वो अरेंजमेंट कैसे हो? वो अरेंजमेंट रो में हो, देखिए रो नजर आ रहे, और कॉलम में हो, तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसका मैं पार्ट ले रहा हूँ। पार्ट नंबर 1, ए इज इक्वल टू 2, 3, -5, 6। पहला पार्ट, ए इज इक्वल टू 2, 3, -5, 2, 3, -5, 6। अब इसके अंदर हम मालूम करेंगे ऑर्डर। एक ऑर्डर मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको रोज बताऊँ, रोज कितनी है, फिर उसमें उसके अंदर कॉलम मालूम करेंगे, फिर ऑर्डर मालूम होगा। तो सबसे पहले देखें, आप रो किस कहते हैं? हॉरिजॉन्टल को। ये हॉरिजॉन्टल के एक हॉरिजॉन्टल, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो हम देखिए नंबर ऑफ रोज। आप रोज कहते हैं इसके अंदर 1 और 2, इसमें 2 रोज आ गए। फिर देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स, कितनी कॉलम्स हैं? 1 और 2, 2 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर हम देखेंगे, आप ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर्स बताऊँ, उसके बाद कॉलम्स बताऊँ, उसके बाद आप ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। तो ऑर्डर क्या होगा? 2 by 2 - 2, इस तरह भी लिख सकते हैं, और आप इस तरह लिख सकते हैं 2 by 2, चॉइस आपके पास। तो ऑर्डर मालूम करने के लिए आपको रोज बताऊँ, कॉलम्स बताऊँ, उसके बाद आप ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। बाकी पार्ट आप खुद कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। हम इनकी वैल्यू सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, a+c, a+2b, और लिखा हुआ है c-1, 4d-6 is equal to 4-7, 0-7, 3, 2d। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों में आ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर 4 वैल्यूज मालूम करेंगे, ए बी सी एंड डी। सबसे पहले देखिए किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। आप इनको बाय a+c को बाहर निकाल दें। पहली रकम बनती है, पहली रकम कौन सी? 0। तो 0 को बाहर निकाल दें, ठीक है। उसके बाद दूसरी रकम बाहर निकाल, इसको इक्वेशन 1 कर दें। अब दूसरी रकम बाहर निकालेंगे, a+2b = दूसरी रकम कौन सी? 7। इसको इक्वेशन 2 कर दें। अब नीचे आ जाए, पहली रकम बाहर निकालें, c-1 = कौन सी रकम? पहली। तो यहाँ से पहली रकम कौन सी बनती है? 3 लिखेंगे, इसको इक्वेशन 3 कर दें। अब दूसरे नीचे से दूसरी रकम निकालें, 4d-6 = दूसरी रकम कौन सी बनती है? 2d, इसको इक्वेशन नंबर 4। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में, तो हमने सबसे पहले इसको इक्वेशन फॉर्म में कर दिया। अब इन चारों इक्वेशन में से
सबसे पहले किस बार करेंगे? सबसे पहले गिनती एक बार करेंगे, क्योंकि उसमें सी बिल्कुल अलोन आ रहा, अकेला आ रहा बिल्कुल। तो सबसे पहले इक्वेशन थ्री को लेंगे, क्योंकि इसमें सी बिल्कुल अकेला आ रहा। अब इक्वेशन वन को देखें, इसमें ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। इक्वेशन टू को देखें, इसमें ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। इक्वेशन फोर को देखें, डी टू टाइम आ रहा है। तो इसलिए इक्वेशन थ्री कॉल करेंगे, आसानी होगी, क्योंकि इसमें सी अकेला आ रहा है बिल्कुल। तो हम देखें फ्रॉम इक्वेशन थ्री को लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थ्री मजावा तीन से। अब इक्वेशन थ्री को लें, आप सी को सेपरेट करेंगे, माइनस राइट साइड चाहे क्या होगा, साइन चेंज करेंगे, इस तरफ माइनस और दूसरी तरफ जाके प्लस। तो प्लस वन कर रहे हैं, थ्री प्लस वन कितना होगा, फोर। ये आ गया वैल्यू किसकी, सी की। इसको अंडरलाइन कर दें। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन वन के अंदर, क्यों, क्योंकि इक्वेशन वन के अंदर सी आ रहा है। तो इस वैल्यू को हम पुट करें इक्वेशन वन के अंदर। तो लिखेंगे पुट सी इज इक्वल टू फोर इन इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन को लिख लें, ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन वन लिख लें इस तरह। अब इसके अंदर वैल्यू लगा दें, कौन सी वैल्यू लगाएंगे, ये वाली फोर। अब इस सी जी क्या आएंगे, ये फोर आएगा, फोर लगा दें इज इक्वल टू जीरो। अब ए को सेपरेट करें, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए, तो ए को सेपरेट करेंगे, माइनस प्लस फोर इधर आगे माइनस फोर। ये वैल्यू बन किसकी, ए की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। अब इस ए को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन टू के अंदर, क्योंकि इक्वेशन टू के अंदर ए आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ साइड पे कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब देखेंगे पुट ए इज इक्वल टू माइनस फोर इन इक्वेशन। अब इसको टू में पुट करेंगे। अब इक्वेशन टू को लिख लें, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन। अब इसके अंदर वैल्यू लिखाएंगे, कौन सा लिखाएंगे, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी, माइनस फोर। माइनस फोर अगर बाकी वैसे आएगा एज इज इट। अब बी को अकेला करें, अब माइनस फोर इधर आगे क्या होगा, प्लस फोर। अब सेवन में से थ्री निकालें, सेवन में से फोर निकालें, थ्री आएगा, और साइन कौन सा लिखाएंगे, माइनस का, क्योंकि बड़े सब माइनस है। अब बी को सेपरेट करें, ये मल्टीप्लाई टू इतना क्या होगा, डिवाइड होगा। ये हमारे पास वैल्यू आगे सी डी की वैल्यू आगे। अब देखें, हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर चुके हैं, वन को भी ऐड कर चुके हैं, थ्री को, टू को भी और थ्री को भी। अब इस इक्वेशन, इस बी की वैल्यू को इक्वेशन फोर के अंदर पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पर डी आ रहा है और ये वैल्यू किसकी है, बी की। तो इसलिए बी की वैल्यू बी के अंदर पुट नहीं कर सकते। तो हम इक्वेशन फोर को लेंगे, इक्वेशन फोर को ऐड करें, वहाँ से डी आ जाएगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर। अब इक्वेशन फोर को लें, ये इक्वेशन फोर आ गई। अब देखिए फोर डी और सिक्स, इन दोनों को हल कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फोर के साथ जो फोर इसके साथ डी आ रहा है और सिक्स के साथ डी आ रहा है, तो इनको आपस में सॉल्व नहीं कर सकते। तो डी को इस तरफ लें और रियल नंबर को इस तरफ लें। अब प्लस टू डी इधर आके क्या होगा, माइनस, कुछ भी ना तो प्लस होता है, जिसके साथ कोई साइन ना हो वहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है। तो प्लस टू डी इधर आके होगा माइनस टू डी इज इक्वल टू, अब माइनस सिक्स इधर आके प्लस सिक्स। अब फोर डी में से टू डी निकालें, देखें यहाँ प्लस है, कोई भी साइन ना हो तो वहाँ प्लस होते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, जिसके साथ कोई साइन ना हो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस। फोर डी में से टू डी निकालें, क्या आएगा, टू डी। देखिए करेंगे माइनस, मेथड माइनस का होगा और साइन पॉजिटिव का लगेगा, क्योंकि बड़े साथ प्लस है, ठीक है, साइन बड़े साथ देखते हैं। मेथड माइनस का होगा, साइन पॉजिटिव का लगेगा, क्योंकि बड़े साथ पॉजिटिव है, इज इक्वल टू सिक्स। अब डी को सेपरेट करें, देखें टू जो इसके साथ जुड़ा हुआ बिल्कुल, साइन दरमियान कोई साइन नहीं आ रहा, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या था, डिवाइड। तो मल्टी दरा क्या होगा, डिवाइड होगा, टू वन टू टू थ्री जन सिक्स, ये डी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाते हैं। कल इंशाल्लाह फिजिक्स नाइन्थ के न्यूमेरिकल करेंगे, चैप्टर नंबर वन। अल्लाह हाफिज़।